बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये पैगाम पीएम साहब के लिए है। मैं एक एमडी के रिपीटर स्टूडेंट हूँ, मुझ जैसे कई सौ रिपीटर्स भी होंगे। बात यह है कि पीएमबीसी जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के थ्रू पूरे पाकिस्तान में टेस्ट कंडक्ट करवाती है, जैसे एंट्री टेस्ट कहते हैं, तो पीएमबीसी ने 2019 के अंदर बहुत सारी न्यू पॉलिसीज बनाई, जिसमें से एक पॉलिसी ये थी कि जो मेरिट के लिए वेटेज फार्मूला होगा 50% एमकेट होगा, 50% एफएससी होगा। ठीक है, टेस्ट भी हो गया, अप्लाई भी हो गया। अब 10 अक्टूबर को लिस्ट लगने वाली थी। सारा दिन बच्चों ने, पेरेंट्स ने वेट किया और रात को लिस्ट डिस्प्ले होने से 30 मिनट पहले ये बयान आ गया कि भाई जो लिस्ट है वो डिस्प्ले नहीं होगी, कि एक लड़की ने केस कर दिया जिसकी वजह से उसको डिले कर दिया गया। दूसरे रोज़ ये खबर आती है कि लाहौर हाईकोर्ट ने ये पीएमबीसी को 2018 के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक एडमिशन करने का हुक्म दे दिया है। बात यह है कि पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के अंदर अगर टेस्ट कंडक्शन से पहले जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, उसे टेस्ट कंडक्शन के बाद भी वही पॉलिसी अप्लाई की जाती है। दूसरी बात यह है कि एक बजे का एग्रीगेट 92 बन रहा है, तो उसने किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया क्योंकि उसे कंफर्म था कि उसका एडमिशन हो जाना है। और अगर अब हर जगह पर यूनिवर्सिटी के एडमिशन भी ऑफ है, तो अब वो कहाँ जाएगा? पहली बात तो यह है कि अगर यूएचएस को, पहली बात तो यह है कि अगर पीएमडीसी को ये राइट ही नहीं था कि वो चेंजेस लाए, तो उसने ये पॉलिसी चेंज ही क्यों की? दूसरी बात कि अगर जो है ना टेस्ट कंडक्शन के बाद पॉलिसी का चेंज करना, ये शो करता है कि टेस्ट की कोई कानूनी अहमियत ही नहीं। चौथी बात ये है, तीसरी बात ये है कि अगर टेस्ट जो पहले पॉलिसीज अप्रूव ही कैसे हुई अगर वो गैर कानूनी थी, तो क्या कानून भी सोया हुआ था? चौथी बात यह है कि अगर पॉलिसीज चेंज हुई भी सही, तो क्या उस वक्त यूनिवर्सिटी यूएचएस और बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ, क्या वो सब सोई हुई थी? क्या है, मैं सिर्फ आखिर में इतना कहना चाहता हूँ कि हम कोर्ट भी जाएंगे, हम स्ट्राइक भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे अगर हमें इंसाफ ना मिला तो। मैं बस पीएम साहब से इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को अपने नोटिस पे लें और हमें इंसाफ दिया जाए। बस सलाम।